एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर जानकारी आपको दे दें, अभी भी हिंडन एयरबेस में शेख हसीना है और जिस विमान से वो आई है वो हिंडन पर ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि वो यहाँ से एन रूट है, मतलब वो तीसरे मुल्क में जाएंगी और उनको एक सेफ पासेज यहाँ से दिया गया है। जिस विमान से वो आई है वो अभी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। जनरल भाटिया, वापस क्योंकि अब सबसे छोटा छोटा कमेंट में लेना चाहती हूँ, कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो सबके सामने तस्वीर है, अस्थिर है, अंतरिम सरकार बना रही है सेना, जो भी वो कोशिशें कर रही है, लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज है इस परिस्थिति को डील करना, जिसका सुशांत जी भी चर्चा कर रहे थे। जिस तरह के हालात बांग्लादेश के हैं, आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन जो सड़क पर उतरकर पत्थर उठाकर और लाठी उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, सरकारी वाहनों को, तमाम अन्य वाहनों को, सब कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, इकोनॉमिकली बांग्लादेश को इतना बड़ा इससे डेंट लग रहा है वो उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक जब भी कोई डाउनवर्ड स्पाइरल में जाता है आर्थिक रूप से, तो फिर अस्थिरता और भी उसमें ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये भी एक कंसर्न है कि जो हालत हो गई है इस देश की, अगर ऐसे में कट्टरपंथी आवाज, ऐसे में ISI वहां पर अपने पंख फैलाए तो स्थिति बहुत खराब दिखती है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, इसमें स्थिति तो खराब है ही है। इसमें क्या होगा, एक तो इकोनॉमिक डाउनटाउन जब आएगा तो दोबारा से माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से शुरू हो जाएगी हमारी स्टेट्स में, और उस माइग्रेशन जब शुरू होगी उसमें जरूरी बात है जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो उसका फायदा उठाएंगी, चाहे ISI है, चाहे अभी चाइना को मैं रूल आउट नहीं करता करता हूँ इसमें, तो वो फायदा उठाएंगी। और दोबारा से बोलना चाहता हूँ, खास तौर से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो छोटा सा वहां पर है, वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस पहले से हो रखे हैं, और वहां पर अगर बांग्लादेशी आके बैठ जाते हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारी जो पूरा कनेक्टिविटी रोकने के लिए। तो ये भारत को देखना पड़ेगा कि उनको माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, रेफ्यूजी कैसे रोका जाए। तो रेफ्यूजी तो आ सकते हैं, पोरस बॉर्डर है, जितने जो मर्जी कर ले, हमने वहां फेंस लगा रखी है, प्रेशर रखी, लेकिन फिर भी पोरस रहेगा। और जब एनमास जब अगर लोग आना शुरू हो जाएंगे तो हम उसका क्या करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल सेंसिटिव सा समय है भारत के लिए, हमें लीड करना पड़ेगा ठीक तरीके से, और हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा हम कैसे करना है। क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी मेरे ख्याल से वो भी एंटी इंडिया ही होगी, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां से दिख रहा था काफी दिनों से, सोशल मीडिया में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट आया था और वो संभला हुआ था। अभी वापस अगर वहां पर विद्रोही आ जाते हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट आ जाता है, तो हमारे लिए उसमें मुश्किल हो सकती है। तो हमें वो देख के चलना पड़ेगा कि इंडिया के लिए क्या फायदा होगा, बांग्लादेश क्या फायदा होगा, दोनों देशों को मिलकर चलेंगे तो क्या फायदा होगा। वहां से राजीव डोगरा साहब, लोगों का भारत की सीमा के अंदर आना और जैसे जैसे हालात और खराब होंगे ज्यादा लोगों की ऐसी कोशिश करना, ये कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं और कैसे रोक सकते हैं हम इसे? हम रोक नहीं पाएंगे, अगर रोक पाते तो इतने संख्या में रोहिंग्याज नहीं होते। यूपी में देखा आपने क्या हालात हैं, आधार कार्ड तक मिल गए हैं, बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही है। बांग्लादेशी दिल्ली की सड़क सड़क पे आपको दिखेंगे, तो ये कम होने वाला नहीं है। हमको सिर्फ इस चीज की चिंता होनी चाहिए कि ये जो आएंगे घुसपैठिया या रेफ्यूजीज या जो भी आप कहें, इनमें ISI सिंपथाइजर्स ना हो, इनमें टेरर एलिमेंट्स ना हो, और वो सबसे बड़ा जो है हमारे लिए संकट बन सकता है, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए बट कंट्री के लिए। सो कितनी हम मुस्तैदी कर सकते हैं, कितने हम उनके टनल्स रोक सकते हैं, यह आने वाला समय बताएगा, पर भारत के लिए काफी चिंता का समय होने वाला है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है और वही जो जनरल भाटिया भी कह रहे थे, इसी पर मैं आपसे भी जनरल दुआ एक कमेंट चाहती हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये जो घुसपैठिए होंगे उनका होने वाला है। बिल्कुल, ये जैसे कि सभी ने कहा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले हम बात कर रहे थे वहां पर अगर हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, जैसे ऑलरेडी कुछ डेथ्स हो चुकी हैं, वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि वैसा एक स्पिल ओवर हमें वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल सकता है, वो इस स्थिति भड़क सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज घुसपैठियों का होने वाला है। जो माइग्रेशन की बात की है, डोगरा जी ने भी ये कहा कि वो हम रोक नहीं पाएंगे पूरे पूरे तौर पर, लेकिन उसके उसकी आड़ में जो कट्टरपंथी आएंगे, ISI के एजेंट आएंगे, उनको रोकना एक हमारे लिए चैलेंज और कंसर्न का विषय है। और साथ ही जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि
जो उग्रवादी ग्रुप हैं जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते रहे हैं, उनको दोबारा से शेयर मिलने की चांस की संभावना है। और फिर हमारे को वहां पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात जनरल भाटिया साहब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सब हमारे लिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। आशुतोष जी, छोटा सा कमेंट आपका इस पर, घुसपैठियों के खतरे पर। निश्चित तौर पर अपने आप पे खतरा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस स्तर का होगा जिस तरीके से 1970 1971 के हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान की सेना थी, जिस तरीके से उन्होंने आतंक बचाया था, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, जिस तरीके से बच्चों के साथ किया था, तो वैसी स्थिति आज नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी अभी कुछ समय तक रहेगी और उसकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो अस्थिरता है उसको रोके। अगर कैओस वहां पर रुक जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये माइग्रेशन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत के ऊपर होगा।